नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉन। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, जैसे 3 दिन से वॉच लिस्ट में डाला था, मगर आज इसके अंदर जो हाईली वॉल्यूम के साथ जो बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है, मुझे लगता है इसमें और भी अप ट्रेंड आएंगे और मैं ये 15 से 20 दिन का टारगेट दे रहा हूँ, ये डेफिनेटली इसमें अचीव होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज 29 तारीख है और टाइम दिन के 1 बज रहा है, लाइव मार्केट ओपन है। तो कंपनी का नाम है टाटा स्टील BSL लिमिटेड, कंपनी का नाम है टाटा स्टील BSL लिमिटेड। तो आज ये देखिए, आज ये 5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है शेयर, 5% की तेज़ी के साथ देखिए ट्रेड कर रहा है ये। तो शेयर का ये देखिए अप ट्रेंड कितना है। आज ये ओपन होता है 91.80 पैसे पे, हाई मारता है 97.65 पैसे का, लो मारता है 91.40 पैसे का। इसका 52 हाई है 97.65 और 52 लो है 91.40 रुपीज़ का। तो ये तो इसका ओवरव्यू हो गया। कंपनी के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये मेटल की कंपनी है, मेटल में ट्रेड करती है। आपको पता है कल ही निफ्टी के अंदर 2 दिन पहले और कल ही निफ्टी ने अपना मेटल के अंदर लाइफ टाइम हाई मारा था। और मेटल्स के शेयर आप देख सकते हैं किस तरह से अब ट्रेंड की तरफ है और सब में अब रैली अभी बाकी है, और भी अप मूव आना बाकी है। मेटल्स की रैली अभी ख़त्म नहीं हुई है, रैली अभी स्टार्ट हुई है। तो मेटल्स में और भी अभी जान है, ये मेटल की कंपनी है, स्टील मेटल आयरन का काम करती है। कंपनी का ओवरव्यू समझाने की जरूरत नहीं है। टाटा का वेंचर है ये भी, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो मैं स्कैनर के साइड पर आ गया हूँ। तो स्कैनर के साइड पर देखिए मार्केट कैप है 9994 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू भी सही है, RO भी सही है, ROC भी सही है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। इसका 52 हाई है 110 रुपये, 52 लो बता दिया था मैंने 91.19 रुपये। ये देखिए कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है डे बाई डे, कंपनी का बुक वैल्यू भी अच्छा चल रहा है, कंपनी 5 साल से ग्रोथ पर है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है 5 साल से कंपनी। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के अंदर। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 2.280% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, 5 साल से कंपनी प्रॉफिट दे रही है। ये देखने योग्य बातें होती है कंपनी के अंदर। और हम लोग क्यों एनालाइज करते हैं, इतने सारे एनालाइजर इन्वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करके उसके बाद को शेयर को देते हैं, क्योंकि शेयर देने के बाद भी उसके टारगेट हिट हुए या नहीं हुए ये भी देखा जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। ये देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखिए दिसंबर में और मार्च के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट, और आप भी जो क्वार्टर से रिजल्ट आएगा अच्छे प्रॉफिट मेकिंग आएगा, यानी कंपनी क्वार्टर वाइज भी रिजल्ट अच्छे दे रही है और कंपनी के अंदर प्रॉफिटिंग आ रही है, यानी कंपनी प्रॉफिट दे रही है, मैंने 5 साल से बता दिया था। अब ये देख लेते हैं क्वार्टर वाइज तो रिजल्ट अच्छे दे रही है कंपनी। ये देखिए अब इसके अंदर हम आ गए हैं। ये देखिए ईयरली लास्ट ईयर से इस ईयर भी इसने 2021 के अंदर 202 के अंदर इसने 16% का रेवेन्यू ग्रोथ किया था, प्रॉफिट दिया था 500% का प्रॉफिट दिया था। कंपनी का ग्रोथ भी और प्रॉफिट भी दे रही है कंपनी। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट दिया था इसने 78% का ईयर वाई ईयर ग्रोथ दिया था क्वार्टरली वाइज। ये देखिए 60% 61% ये क्वार्टरली रिजल्ट दिया इसने। कंपनी अच्छे कंपनी में डेफिनेटली बाय करिए। और स्टील का तो आपने देखा है कि कंपनियों का आयरन स्टील का मैंने बता ही दिया था, और मेटल की कंपनियों का भी अभी अब ट्रेंड बाकी है। अब देख ले चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया है, अभी लाइव चार्ट चल रहा है इस टाइम पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है। हैवी वॉल्यूम देखिए कितना वॉल्यूम है इसका, MACD RSI देखिए कितना अब ट्रेंड की तरफ है। तो बेसिकली इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे हम 88 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 88 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करेंगे। इसमें 2 टारगेट आएंगे, मेरा पहला टारगेट इसके अंदर का 105 का, दूसरा टारगेट मेरा 110 का, तीसरा टारगेट 115 का। ये 3 टारगेट 15 से 20 दिन के अंदर आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम ट्रेड हुआ ये देखिए ये यहाँ का ये सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया है। तो इस कैंडल के जब ये इस कैंडल को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट इसका ये अपना 52 हाई तोड़ेगा, पहला टारगेट 105, दूसरा टारगेट 110, तीसरा टारगेट 115। इन 3 टारगेट में से बाय करके पैसे के साथ बने रहेंगे। इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हम, वीकली चार्ट पे भी देखिए, ये देखिए अब ट्रेंड है वीकली चार्ट पे भी। तो गाइस इसमें बस हमें पेशेंस साथ बने रहेंगे, किस जिस तरह से डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहा है ना आज, ये मेरे को लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन में दोनों टारगेट तीनों टारगेट हिट हो जाएंगे डेफिनेटली। सब बाय करिए, पेशेंस साथ बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।